नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिहार में संपन्न हुआ। उसके बाद प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव का तिथि ऐलान हो गया। बिहार के कई जिलों के प्रखंडों में प्रमुख, उप प्रमुख बन भी गए हैं। वही हम बात करेंगे सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड प्रमुख का, ताकि ये सबसे बड़ा हाईलाइट प्रखंड था। यहाँ पर प्रमुख के लिए बड़ी बड़ी दावे भी खेला गया था, लेकिन एक पक्ष के समर्थक ओसामा साहब का जीत बता रहे हैं। आखिर क्यों ओसामा साहब का जीत बता रहे हैं, हम आप लोगों के इसी रिपोर्ट में बताएंगे। मिली हमारी सूत्र से जानकारी के मुताबिक ओसामा पहली बार राजनीति रणनीति बनाए और इस रणनीति में पास भी हो गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल प्रमुख बनने के लिए BDC का समर्थन होना चाहिए होता है, और कितना समर्थक जुटा सकते हैं ये प्रमुख प्रत्याशियों के हाथ में होता है। ऐसे में मिनहाज अहमद उर्फ सल्लू राजनीति में नए थे और पहली बार चुनाव लड़े बहादुरपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 28 से और BDC बन गए। उसके बाद तैयारी शुरू हो गया प्रमुख के लेकर। जिस तरह से किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह प्रमुख बनने के लिए BDC का समर्थन होना चाहिए होता है। मिनहाज ने ओसामा साहब से मिले प्रमुख के लेकर, तभी ओसामा साहब के करीबी कई दुने से जोड़ घाटाओं में लग गए। यही नहीं, खास करके मॉनिटरिंग ओसामा साहब कर रहे थे। यही नहीं, प्रमुख बनाने को लेकर ओसामा दो विधायक के साथ मीटिंग भी किए थे और बेहतर रिजल्ट लाकर मिनहाज के पत्नी रहीमा खातून को बड़हरिया का प्रमुख बना दिए। कल से ही सोशल मीडिया पर मिनहाज को शुभकामनाएं कम और समर्थक ओसामा साहब को शुभकामनाएं ज़्यादा दे रहे हैं जीत का। ओसामा साहब अपने पिता के निधन के बाद जिस तरह से राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इससे साफ नज़र आ रहा है अपने पिता के उत्तराधिकारी बनकर सिवान की राजनीति को आगे बढ़ाए। यही नहीं, राजद महासचिव अदनान अहमद के भाई फैजान अहमद सहित कई समर्थक ओसामा साहब के लिए लोकसभा के टिकट के मांग शुरू कर दिए। अब देखना यह होगा ओसामा लोकसभा चुनाव से राजनीतिक करियर शुरू करते हैं या कोई और।